अधिकारी आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, मुख्यमंत्री इधर से गुजरते हैं तो अधिकारी लोग क्या करते हैं, इसको छिपा देते हैं ताकि मुख्यमंत्री का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो यहाँ जा ना पाए। हम लोग का यहाँ पे घर था मैम, हम लोग यहाँ छोड़ दिया यहाँ पे घर। ये इतना अच्छा इलाका था, इतना अच्छा कॉलोनी था, इसको जो नगर निगम है एकदम बद से बदतर कर दिया है। अभी तक तो यहीं रखा गया है, अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ से चला जाएगा मगर जाता ही नहीं है, और बहुत सारे कस्टमर को भी दिक्कत होता है, हमें खुद दिक्कत होता है, बदबू इतनी आती है तो कस्टमर्स बोलते हैं कि अब यहाँ आने से क्या फ़ायदा, दूसरे जगह जाएंगे। कचरा का जो बना हुआ है इसे हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आम जनता बहुत परेशान है, तो अलग जगह रखा जाए, अलग किया जाए। पटना से करीब हर दिन 923 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है जो कि डंपिंग यार्ड्स में जाता है। कूड़े का निस्तारण होता कहाँ है? मैं पटना शहर के बीचों बीच मौजूद हूँ और आपको मैं अगर पीछे की तस्वीर दिखा सकूँ, बड़ा सा डंपिंग यार्ड यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ शहर के अलग अलग इलाकों से कूड़ा कुछ यूँ डंप किया जाता है जैसा तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा। एक सामने ट्रैक्टर है पटना नगर निगम का। अब इस ट्रैक्टर से जो तमाम कूड़े हैं जो अलग अलग इलाकों से उठाते हैं कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, वो इसी जगह पर जाकर डंप कर देते हैं। इसमें किचन वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, यानी इसको सेग्रीगेट अभी नहीं किया गया है। और ये तस्वीर है, अब जो यहाँ रैग पिकर्स हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं और ये इनके लिए जो मोटा प्लास्टिक है वो उठा कर ले जाते हैं, जो इनके काम की चीज़ें वो उठा कर ले जाते हैं। पीछे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, अटल पथ आपको नज़र आ रहा होगा, अटल पथ का ये फुटओवर ब्रिज है, यानी इस रास्ते से शहर के तमाम लोग जिनको इस रास्ते से उतरना होता है वो आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है बदबू का, गंदगी का अंबार है और नगर निगम का ऑफिस भी एक जो ब्रांच है वो इसके बगल में है। यानी ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये जो तमाम गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये सभी कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर आकर के कूड़ा डंप करती है। अब इस आसपास में जो लोग रहते हैं, जो इस इलाके से गुजरते हैं, उनको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, और इसके साथ साथ एक और अहम जानकारी दे दूं कि पटना देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार है। ये हाल है बिहार की राजधानी पटना का। एक शख्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम रवि कुमार है। जी जूस पीने आते हैं? हाँ जूस पीते पीने आते हैं, यस। हाँ ज़्यादा बदबू कर रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत दिनों से है मैम, आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से है, बहुत कुछ हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसमें अधिकारी आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, मुख्यमंत्री इधर से गुजरते हैं तो अधिकारी लोग क्या करते हैं, इसको छिपा देते हैं ताकि मुख्यमंत्री का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो यहाँ जा ना पाए। तो कुछ होता नहीं है मैम, हम लोग बहुत परेशान हैं इसमें। हम लोग का यहाँ पे घर था मैम, हम लोग यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे घर, यही घर था हम लोग का, हम लोग छोड़ दिया। पर आपने फ्लैट लिया था बट आपने छोड़ दिया, कहीं और शिफ्ट हो? हम लोग उस तरफ शिफ्ट हो गया है, बट उस तरफ भी बहुत गंद आता है मैम। हाँ बहुत परेशान हैं हम लोग इससे, आप देख ही रहे हैं कितना कीचड़ है, यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया। इतना अच्छा इलाका ये था मैम, हम लोग, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, ये इतना अच्छा इलाका था, इतना अच्छा कॉलोनी था, इसको जो नगर निगम है एकदम बद से बदतर कर दिया है। देख रहे हैं कितना गाड़ी लगा हुआ है। अब यहाँ ये पानी टंकी इलाका है मैम, यहाँ ये बोर्डिंग रोड का एक हार्ट इसको कहा जाता है, लेकिन इस इलाका को ख़राब करके रख दिया गया नगर निगम द्वारा। और कितने अधिकारी आते हैं, जाते हैं, यहाँ तक कि डीएम कुमार रवि भी आ चुके हैं, लेकिन वो तो अब तो कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं होता है मैम। सारा कूड़ा यहाँ डंप किया जाता है और उसको हटाकर कहीं और नहीं रखा गया? अभी तक तो यहीं रखा गया है, अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ से चला जाएगा मगर जाता ही नहीं है, और बहुत सारे कस्टमर को भी दिक्कत होता है, हमें खुद दिक्कत होता है किसी को सर्व करने में कि कस्टमर आते नहीं, बहुत पहले कस्टमर आते थे अब नहीं आते हैं। हम लगभग ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको, और उम्मीद है कि जल्दी आप लोग के आने से ये हटेगा। चलिए पहले बहुत आते थे, अब का बदबू इतनी आती है तो कस्टमर्स बोलते हैं कि अब यहाँ आने से क्या फ़ायदा, दूसरे जगह जाएंगे जहाँ साफ़ सुथरा हो, महक नहीं आए, वहाँ जाते हैं कस्टमर बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता कुमारी है। चिंता आप पटना में ही रहती हैं? जी हैं, मैं इंदरपुरी में रहती हूँ। इस तरफ से हर दिन आना जाना? जी हाँ, हमें हर दिन आना जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत गंध देता है। पहला तो ये अटल पथ के ऊपर जो ओवर ब्रिज बन गया, इससे हमें बहुत खुशी है, जो हमारे विधायक जी ने हम लोग के बारे में सोचा। लेकिन ये जो कचरा का जो बना हुआ है,
इसे हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आम जनता बहुत परेशान है। मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ, इस नाते भी मैं बोल रही हूँ कि इस पर ज़रूर आप लोग सोचें। जी बहुत दिक्कत है, सब लोग मुझसे बोलती हैं, मेरी मोहल्ला में, मेरे अगल बगल, खुद मुझे ही दिक्कत हो रहा है। गंदगी हो जाता, बारिश होता है तो देख रही हैं कि पूरा पानी भर जा रहा है, अब महक उतना ही है, बीमारियां इतना सारी निकल रही है, तो इसमें तो आदमी कैसे जिएगा। तो इसलिए इसको हमको लगता है कि इसको अलग जगह रखा जाए, अलग किया जाए। बताना ज़रूरी है कि पटना में 2011 में एक डंपिंग यार्ड बनाया गया जो कि रमाचक की तरफ है, वहाँ पर शहर के जो तमाम कूड़े हैं वो वहाँ पर डंप किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि चूँकि वो जो इलाका है वो दूर पड़ता है यहाँ से, यानी शहर से ठीक थोड़ी दूरी पर वो डंपिंग यार्ड बनाया गया हुआ, लेकिन वो भी अब अपनी क्षमता से कहीं अधिक गुना डंप्स जो है वो कैरी कर रहा है, और इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी चूँकि प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उस जगह को भी अब जो किचन वेस्ट और सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जाए, और इसके अलावा जो लेगेसी है, जो बात की जा रही है कि लेगेसी वेस्ट जो है उसको किस तरीके से अब सही किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नगर निगम के सामने में है। और इसी तरीके के डंपिंग यार्ड, यानी कूड़ा उठाया ज़रूर जाता है, डोर टू डोर कैंपेन 2019 से लगातार पटना और अलग अलग ज़िलों में चल रहा है बिहार के, तो कूड़ा ज़रूर उठाया जाता है डोर टू डोर जा कर के, लेकिन कूड़ा जाता कहाँ है वो कुछ ऐसे ही तस्वीर आपको पटना में नज़र आएगा, और कूड़ा ठीक इसी जगह पर डंपिंग यार्ड में जाकर गिरा दिया जाता है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ श्री एबीपी न्यूज़ पटना। ABP News, आपको रखे आगे।